राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें, पुलिस हिरासत में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को लिया गया है। बिना अनुमति के ये प्रदर्शन किया जा रहा था। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, क्योंकि इन्होंने बिना इजाजत के विरोध प्रदर्शन किया था। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? विरोध प्रदर्शन किया गया है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, लेकिन साथ ही पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एनएसए की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन जो बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन बिना अनुमति के चलते एनएसए की ओर से यह राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शन किया जा रहा था, इस दौरान एनएसए के प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। वो इस दौरान जिस तरह से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें बिना किसी ना तो पुलिस की अनुमति थी और ना यूनिवर्सिटी प्रशासन की किसी तरह से अनुमति ली गई थी, और उसी को चलते पुलिस ने जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनको हिरासत में लिया। तकरीबन एक दर्जन से अधिक यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसए के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हिरासत में लिया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 लगी हुई है और जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग और 5 लोगों से अधिक एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर एनएसए के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को हिरासत में लिया है, ताकि किसी तरह के जो कोरोना संक्रमण फैलने के जो खतरा है वो नहीं, और जो तमाम जो धारा 147 लगी हुई है तो उसका सुनिश्चित पालना करवाने के लिए उनको हिरासत में लिया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने अपडेट दी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है।